गाड़ी के लिए किचन ले लिया है, कैसा लग? सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द गाइज विथ अनदर वीडियो। सो गाइज, आज की इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं डोंगरगढ़, जो कि नागपुर से करीबन 200 किलोमीटर दूर है। तो आज अपना बाइक का कुछ टूर वगैरह नहीं है, तो अपन आज रेलवे से जाने वाले हैं। तो अपनी पैकिंग वगैरह हो चुकी है, अब निकलने की तैयारी चल रही है। तो अपनी बैग ये रही यहाँ पर और अपन अभी निकलेंगे। तो चलिए मिलते हैं स्टेशन पे। सो गाइज, अपन फिलहाल पहुँच गए इतवारी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और हमारे गाड़ी का नाम है बिलासपुर इटारसी इंटर। सो चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं स्टेशन के अंदर का व्यू कुछ ऐसा है। ये देखिए कुछ ऐसा सीन है यहाँ पर, बहुत से लोग हैं। तो अभी टाइम 10:36 हो चुका है और ये देखिए कुछ आगे व्यू ऐसा। और ये स्टेशन कुछ इतना अच्छा नज़र है। रेलवे स्टेशन, तो अपनी गाड़ी अभी आने के लिए बहुत टाइम है, तो अपन यहाँ पर रुकते हैं, आगे चलते हैं और आपको दिखाएंगे। तो फाइनली गाइस, अपनी ट्रेन आ चुकी है। ये देखिए इतवारी बिलासपुर एक्सप्रेस, जो कि अपन अभी है इतवारी स्टेशन पे और आगे जाएंगे। फिर चलते हैं आगे। मास्क जरूरी है, मास्क पहनिए आप भी और सुरक्षित रहिए। चलो पार कर रही है अभी बस, इसको बहुत लेट कर दिया गाड़ी ने अभी तक। अभी टाइम हो गया है 12:40, अभी निकली है गाड़ी। सो टाइम हो गया है अभी 4 बजे, अर्ली मॉर्निंग अपन पहुंच गए डोंगरगढ़ स्टेशन पर। तो देखिए नज़ारा कुछ है। तो गाइस, अपन फाइनली पहुंच गए डोंगरगढ़। ये देखिए पीछे पहाड़ और ये इधर रेलवे स्टेशन है, पीछे मालगाड़ी लगी है और ये डोंगरगढ़ का पहाड़ है। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ और चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। सो गाइस, ये देखिए डोंगरगढ़ का पहाड़ यह है और यहाँ का अभी का टाइम हो रहा है सुबह के 6 बजे और क्या। तो जैसे कि गाइस आप सब देख सकते हैं, अपन मंदिर के पास एंट्री कर चुके हैं और ये साइड में तालाब देखिए आप, तालाब का कुछ ऐसा नज़ारा है, एक नंबर तालाब भी है, आगे पहाड़ है और ये एक उड़न खटोला जा रहा है। देखिए कितना स्लोली स्लोली जा रहा है, एक नंबर देखने लायक व्यू है। यहाँ पर ज़रूर एक बार विजिट करके देखिए, बहुत अच्छा सीन है यहाँ पर भी। तो जैसे कि गाइस आपको उड़न कटोला दिखाते हैं, ये देखिए कुछ ऐसा सीन है यहाँ पर भी, मैनुअल ट्रांसमिशन करके बनाया है उड़न कटोला, बढ़िया तरीके से चलता है। देखिए क्या बात है। तो गाइस यहाँ से पहली पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जय माता दी। चलिए तो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो कुछ इधर के स्टेयर देखिए कुछ ऐसे है, पूरे सीधे सीधे एकदम। तो चलिए, ये मंदिर है हनुमान जी का। तो शुरू करते हैं। कुल मिला के 1000 सीढ़ियाँ है यहाँ पर और चलिए तो अभी तो स्टार्ट ही किया है, बस देखते हैं क्या होता है आगे। तो चलिए वाह क्या नजारा है, एक नंबर। हियर इज मम्मी पापा एंड मेरी सिस्टर।
यहाँ का सीन कुछ ऐसा है, देखिए गाइस। तो उड़न कटोला भी आ रहा है, ये देखिए। संडे के दिन इसकी टिकट 100 रुपीस रहती है पर पर्सन, और बाकी दिनों में इसकी 60 रुपये टिकट रहती है। सो ऐसा है, देखिए। अभी तो हम 20% भी ऊपर नहीं आए, तो देख ही सकते हैं बाल कैसा हुआ। अभी तक तो बहुत ऊपर आ चुके हैं, पर अभी तो 30% भी नहीं हुआ, तो और ऊपर जाना है। ये मम्मी पापा और छोटी दीदी जा रही है ऊपर। चलिए तो फिर अपन भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे क्या है। चलिए, दिस इज द गाइस एलिफेंट, ये टाइगर। तो अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, चल चल के थक चुके हैं, फिर भी कुछ ख़त्म नहीं हुई सीढ़िया। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मूर्ति पत्थर के अंदर बनाई गई है। तो देखिए कितनी लाजवाब, कितनी खूबसूरत मूर्ति बनाई है, देखिए आप, बिल्कुल हूबहू उनकी मूर्ति बनाई है। कुछ ऐसा रस्ते तक पहुंच गए हैं, पूरा थक चुके हैं, और यहाँ का कुछ नज़ारा ऐसा है। देखिए भोलेनाथ का मंदिर है, कुछ ऐसा है मंदिर। तो देखिए गाइस कितने ऊपर तक आ गए हैं, कुछ ऐसा सीन है, बहुत दूर दूर तक दिख रहा है यहाँ से। चलिए सो फिर चलते आगे। तो गाइस यहाँ पर तो पूरी हालत टाइट हो गई है, देखिए। और भी बाकी है, बस 30% और बाकी है, 70% चढ़ गए अपन ऊपर। यहाँ से नज़ारा देखिए कुछ दूर दूर तक। तो मम्मी पापा भी आ गए, तो यहाँ पर थोड़ा बैठे फिर आगे चलते हैं। सो गाइस यहाँ से थोड़ी और सीढ़ियाँ मिल गई है ऊपर जाने के लिए, ये सीढ़ियाँ कुछ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल तो टॉप के पास ही पहुँच गए अपन, सो चलिए आगे। सो फाइनली गाइस अपन पहुँच गए सबसे ऊपर टॉप पे, मंदिर के पास पहुँच गए अपन। तो देखिए माँ बम्लेश्वरी मंदिर कुछ ऐसा है, अंदर से कुछ ऐसा है माँ बम्लेश्वरी मंदिर। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर आज। सुबह ये देखिए माता बम्लेश्वरी जी का मंदिर, कुछ ऐसा विराजमान है अंदर, बहुत भीड़ है अंदर। तो गाइस हमारा दर्शन वगैरह हो गया है, अभी यहाँ से चलते हैं नीचे। और चलिए, बहुत मज़ा आया ऊपर चल के, आने में पूरा पसीने छूट गए, इतनी सारी सीढ़ियाँ है बोलते यहाँ पर, 1000 सीढ़ियाँ बोली, उससे भी ज़्यादा ही हो गए। तो देखिए कुछ ऐसा सीन है यहाँ पर, यहाँ से इतनी दूर दूर तक दिखता है, तो वहाँ तक जाना है अपने को, उतरना है वहाँ तक। चलिए तो गए थे, पापा तो चढ़ ही नहीं पा रहे थे, मुझे तो लगा बस थक जाएंगे, पर उन्होंने भी चल गए। सो गाइस अपन ने अपने गाड़ी के लिए किचन ले लिया है, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। बहुत क्यूट सा पांडा दिख रहा है, और इधर इस पे लव वगैरह लिखा है, और कैसा लगा आप बताइए कमेंट करके बताइए। यहाँ पर पूरे शॉप्स वगैरह लगे, किचन्स वगैरह सब कुछ मिलता है, लेडीज़ के सामान वगैरह।
तो ऐसा कुछ सीन है भाई, कैसा लगा बताइए बस। फाइनली गाइस अपन नीचे तो पहुंच गए हैं बिल्कुल। मम्मी और दीदी आगे है, पापा अभी भी पीछे है धीरे। फाइनली गाइस अपन आ गए नीचे, और जो आपको तालाब दिखाया था वो तालाब देखिए, और चलते हैं अभी आगे। चलिए सो फाइनली गाइस अपन स्टेशन के पास पहुंच गए हैं, और यहाँ से देखिए नागपुर कितना दूर है, 216 किलोमीटर। आगे चलते हैं स्टेशन। सो गाइस बहुत देर के बाद अपनी ट्रेन आ चुकी है, ये देखिए लेफ्ट साइड पे, और चलते हैं नागपुर जंक्शन की तरफ। बहुत मज़ा आया यहाँ पर घूमकर। तो आपको ये जर्नी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। बाय बाय डोंगर गार्ड। चलिए सब सीधा नागपुर में मिलते हैं। सो फाइनली गाइस अपन रिटर्न नागपुर जंक्शन पे पहुंच गए, जस्ट अभी उतरे हैं गाड़ी से। देखिए बहुत भीड़ है नागपुर जंक्शन में। तो कैसा लगा आपको ये ट्रिप कमेंट करके जरूर बताइए घर। तो जैसे कि गाइस आपने पूरे ब्लॉग में देखा कि डोंगरगढ़ कैसा होता है, वहाँ का मंदिर वगैरह देखे, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। सो भाई सपोर्ट करते रहिए, और अपने भाई को थोड़ा प्यार देते रहिए। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए, और वीडियोस को लाइक भी कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।